अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डेटाबेसिस को लर्न करने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन पर्पस इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली लर्न करने का होगा और हम थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में या अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव में, लेकिन हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। सो पहले हम देखते हैं डाटा स्टोर क्या होता है। हम डाटा किसे कहते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो चीज़ होती है जो आप नॉर्मली कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं उसको हम डाटा कह सकते हैं। उसे आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं, किसी कॉपी पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी रजिस्टर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने पास मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट इज़ डाटा, जो आप डाटा रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने पास कुछ अपने एक्सपेंसेस लिख रहे हैं किसी कॉपी के ऊपर, या आप स्कूल में जाएं तो वहाँ रजिस्टर बना होता है जहाँ पे वो स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क होती थी पहले, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होते थे। या अभी बहुत सारी जगहों पर कागज़ या कॉपी इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं, उसको हम डाटा स्टोर कह सकते हैं। कंप्यूटर की ज़बान में अगर आप आएंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट फाइल में कोई इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, रख रहे हैं एक कॉलम, एक फॉर्मेट के अंदर, एक्सेल फाइल में कुछ लिख रहे हैं या डेटाबेस कर रहे हैं, तो हमको हम डाटा स्टोर कह सकते हैं, जहाँ पे अपना डाटा को स्टोर कर रहे हैं। हम बात करते हैं डेटाबेस क्या चीज़ है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर स्टोर करें ताकि हम उसको डिफरेंट तरीकों से एक्सेस कर सकें, हम उस चीज़ को स्ट्रक्चर वे में रखने को या स्ट्रक्चर वे में जो चीज़ रखी है उसको हम डेटाबेस कह सकते हैं, डेटाबेस। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि नॉर्मली रियल टाइम में भी आती है, रियल लाइफ में भी आती है, कि अगर आप कॉपी में या कहीं रजिस्टर में लिख रहे हो या आप इवन कंप्यूटर में भी लिख रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन रखना होती है, जो इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, वो बहुत आसान काम होता है। आप कॉपी में जाएँ, आखिर में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दें नए नए एक्सपेंसिस की, या आप आखिर में जाके एक स्टूडेंट का अंदराज कर दें, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान काम होता है। लेकिन जो असल टास्क होता है या जो ज़्यादा टास्क परफॉर्म होता है वो है डाटा इन्फॉर्मेशन की रिट्रीवल। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट निकाल के दें रजिस्टर में से जो कि मंडे को आए थे, तो आपको एक एक स्टूडेंट चेक करना पड़ेगा कि ये क्या स्टूडेंट ये मंडे को आया था कि नहीं आया था, क्या ये स्टूडेंट मंडे को आया कि नहीं आया था। एंड अगेन आपको पूरा डाटा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, सारे डाटा को चेक करना पड़ेगा, तब आप इन्फॉर्मेशन निकाल के देख सकेंगे। या मैं ये कहूँ कि जी जिन स्टूडेंट ने इस मंथ जो है वो फ़ी जमा करवा दी है, मुझे बताएं टोटल कितने पैसे आ गए हैं, तो आपको रजिस्टर में जाके वो तमाम स्टूडेंट देखने पड़ेंगे जिनकी फ़ी आई हुई है, फिर जमा करना पड़ेगा और फिर इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि इन्फॉर्मेशन को रखना बहुत कम होता है, बहुत कम काम होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को निकालना बहुत ज़्यादा काम है और आप बार बार ये काम करते रहते हैं। आप शायद आज बैठ के भी देख रहे हो कितनी स्टूडेंट जिनकी सैलरी आई है, दो चार दिन बाद दोबारा देख रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। आगे हम चलते हैं। पहले कुछ एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि हम एंटिटी क्या होती है, वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में कोई भी आप शख्स को, जगह को, किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को एंटिटी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, फी एक एंटिटी है, पेमेंट एक एंटिटी है, एक्सपेंसेस एक एंटिटी हो सकती है, इनकम एक एंटिटी हो सकती है। तो एंटिटी के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स अटैच होंगे जो उस एंटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट कहूँ तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट का एक आईडी होगा या रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, फादर नेम होगा, वो किस क्लास में पढ़ता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। अगर मैं कहूँ जी एक्सपेंस है, तो मैं कह सकता हूँ एक्सपेंस का नाम क्या है, एक्सपेंस की कैटेगरी क्या है, ये एक्सपेंस के एट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपके पास जो एंटिटी होती है और फिर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जब हम डेटाबेस की बात करेंगे तो आपने इन्फॉर्मेशन तो लेनी लेनी है, जो रखनी है डेटाबेस के अंदर, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैंने जो इन्फॉर्मेशन रखनी है उसमें कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं और उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं, तभी आप लिख सकेंगे। चाहे कॉपी पर लिखना हो आपने या आपने कंप्यूटर के अंदर लिखना हो, पहले आपको ये आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि मैंने इन्फॉर्मेशन किन की रखनी है और क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है। डेटाबेस की जब हम कॉपी पे लिख रहे होते हैं तो मैटर नहीं करता, आप कॉपी पे किसी बंदे का नाम लिख दें, आगे उसकी एज लिख दें, कॉपी कॉपी है, वो इन्फॉर्मेशन आप लिख देते हैं। और जब आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो आपने ही निकालनी होती है, तो आपको पता है कि ये जो पहले नाम था ये एक स्ट्रिंग है या करेक्टर्स हैं, और जो एज है ये एक नंबर है, यू नो दैट, और फिर आप उसकी बेस पे कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा आइडेंटिफिकेशन डायरेक्ट खुद ब खुद नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपने जो अपनी एंटिटी डिसाइड की और उसके जो एट्रीब्यूट्स डिसाइड किए हैं, आपको उन एट्रीब्यूट्स का बताना भी पड़ेगा कि जो मैं एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ नेम, ये बेसिकली क्या है, या ये जो मैं एज कह रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है। तो इन जनरली मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये चार तरह की मशहूर या बड़ी डेटा टाइप्स होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। डेटा टाइप, डेटा की टाइप, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर हो सकता है, हो सकता है आप इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं वो एक नंबर हो, इसमें मैं इंटीजर 1, 2, 3, एज, सैलरी, ये सारे के सारे इंटीजर इंटीजर कह सकता हूँ इनको मैं।
स्ट्रिंग से मुराद जिसमें करेक्टर आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं, किसी बंदे का नाम है, एड्रेस है, इनको मैं स्ट्रिंग कह सकता हूँ। और बुलियन एक टाइप होती है जिसमें आप येस या नो की सूरत में डिसीजन करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है तो आप कह देंगे येस है, नहीं है तो आप कह देंगे नो है, या ट्रू फॉल्स की बात कर लें वो बुलियन होती है। और फिर हमारे पास एक डेटा टाइप होती है डेट, जो कि एक स्पेशल स्पेशल फॉर्मेट है जिसमें मंथ, ईयर और डे आता है, उसको डेटा टाइप कहते हैं। और ये सिर्फ जर्नल है, लेकिन जब हम किसी सिस्टम में जाएंगे डेटाबेस बनाने की बात करेंगे तो फिर हम खास डेटा टाइप बताया करेंगे कि ये जो एट्रीब्यूट है इसकी डेटा टाइप क्या है उस सिस्टम के मुताबिक, हम एग्जांपल में देखेंगे आगे जाके। डेटाबेस की ज़बान में जब हम बात करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में रखने की बात करते हैं तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है टेबल का, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक टेबलर फॉर्मेट में स्टोर करें। उस टेबल को हम रिलेशन भी कह देते हैं आमतौर पे डेटाबेसेस की ज़बान में। तो जब हम एक टेबल की बात करेंगे तो वो एक जिस तरह आप एक एक्सेल के अंदर डाटा रख रहे हैं या रजिस्टर में लिख रहे हैं, तो आप उसमें कुछ कॉलम बनाते हैं कि अच्छा ये मैंने स्टूडेंट का नाम लिखना है, उसके फादर का नाम लिखना है, तो ये मेरे कॉलम्स हैं। और जब मैं चीज़ बना रहा हूँ ये टेबल बन रहा है मेरे पास एक, उस टेबल में रोज़ जो होंगी वो डाटा को रिप्रेजेंट करेंगी, कॉलम हमारे वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप वर्ड आके सुनेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद क्या है? अब देखें, अगर आप यही एग्जांपल ले लें कि अगर आपने स्कूल का डेटाबेस बनाना है या आपने डेटाबेस बनानी है और पूरे स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपने रखनी है, तो स्कूल के अंदर आपको सारी एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, स्टूडेंट, टीचर, अटेंडेंस, क्लासेस, लेक्चर्स, सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारी हमारी एंटिटीज होंगी, उनको हम उनके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैंने बना लिए और मैंने उसका एक डेटाबेस क्रिएट कर ली, लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करता हूँ तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जिसने स्टोर करनी है और इन्फॉर्मेशन जो रिट्रीव करनी है वो मेरी ऑटोमेटिक हो जाए, यानी मेरा कोई सॉफ्टवेयर हो जो कि ये चीज़ें मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो हम उस सॉफ्टवेयर को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह देते हैं, DBMS कह देते हैं। और अगर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो टेबल्स की बात करे, रिलेशंस की बात करे, दो टेबलों को जोड़ने की बात करे, तो उसको हम कहते हैं वो RDBMS है, यानी वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इन शॉर्ट, जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे उससे मुराद कोई सॉफ्टवेयर होगा जो हमें हेल्प करेगा कंप्यूटर में अपने डाटा को रखने में और निकालने में हमारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा हम उसको देखेंगे आगे जाके। तो ये हमारे पास कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, शायद आपने नाम सुने हो, एक्सेस, SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL वगैरह। और अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं कि जब मैं कहता हूं डाटा एक्सेल में कैसे स्टोर होता है, तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैंने एक टेबल क्रिएट किया है या मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन रखी है, इसको रजिस्टर में रखता तब इस तरह ही होता कि मैंने उनके एट्रीब्यूट ऊपर लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैं हर रो में एक इन्फॉर्मेशन डालता जा रहा हूँ, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, राइट? एक डेटाबेस के अंदर उस जो डोमेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी टेबल्स होंगे वो एक डेटाबेस में आ जाएंगे, ठीक है? तो उसके अंदर ये टेबल इस तरह के होंगे, और टेबल हम नोट करें उनके कॉलम्स हैं, और वी कैन सी दैट कि ये रोल नंबर जो अगर मैं कहूँ 1 2 है तो ये इंटीजर होगा, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है बिकॉज ये मिक्स हो रहा है। NIC नॉर्मली आप इसको नंबर भी कह सकते हैं, अगर डैशेज लगाएंगे तो फिर ये इसको भी स्ट्रिंग बोलेंगे हम, ये भी मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये भी मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये इन चीज़ों सब चीज़ों का पता होगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से ज़्यादा नहीं है तो इसलिए चीज़ें रिपीट की हैं, आप इस तो दोबारा देखें और इन कंसेप्ट को ज़रा रिवाइज़ कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, ये आगे हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग में।